सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोर व्हील रिवील। तो भाई लोग, स्वागत है आप सबका आज एक नई वीडियो में हमारे चैनल पे। यार सबसे पहले एक बात आओ, मेरे पीछे गाड़ी देख रहे होगे। अगर मैं आपको बोलूँ भाई 7,80,000 रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस है। जी हाँ भाई, ऑन रोड नहीं, एक्स शोरूम प्राइस है भाई। आप दोगे? देखो टाटा आई नो सेफ्टी वगैरह के उससे बहुत अच्छी है, 4 स्टार ग्लोबल एनकैप में इसकी रेटिंग है, पर यार 7,80,000 रुपये, आगे वीडियो में बताता हूँ वर्थ है कि नहीं है। तो क्यों इतना पैसा दिया इस गाड़ी के ऑनर ने, और वो भी एक्स शोरूम, ऑन रोड नहीं। स्टार्ट करते हैं, रिव्यू देते हैं आपको इस गाड़ी का, एक्सटीरियर इंटीरियर फिर चला के भी दिखाएंगे, तो बने रहना। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्टार्टिंग करते हैं की के साथ। तो भाई इस तरह से कि टाटा ही कुछ बेसिक सी की है फ्लिप की। बाकी भाई फ्रंट की बात करूँ गाड़ी में, इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं मिलते, फ्रंट में कैमरा भी नहीं है, सामने इसमें सिर्फ आपको हेडलाइट मिलती है हैलोजन बल्ब के साथ, एलईडी भी नहीं है इसमें। बाकी 360 का मतलब होता ही नहीं क्योंकि कैमरा है नहीं इस गाड़ी के अंदर। महंगे होने का रीज़न एक ये भी है भाई, क्योंकि ये है सीएनजी। तो भाई जी हाँ, सीएनजी वेरिएंट है, माइलेज वगैरह बहुत अच्छी इसमें आपको मिलेगी। पेट्रोल में भी ठीक है इसकी माइलेज, और सीएनजी में तो भाई ऑब्वियसली अच्छा, बहुत सस्ती पड़ती है आपको। तो फ्रंट में कुछ खास है नहीं इसमें। बाकी सेफ्टी की बात करूँ तो भाई 4 स्टार ग्लोबल एंड कैप में इसको रेटिंग मिली है सेफ्टी की। भाई बाकी साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो 175/65R14 के इसमें आपको टायर प्रोफाइल मिलती है। भाई आपको एक फनी चीज़ दिखाऊँ, मतलब मेरे को लग रहा था स्टार्टिंग से कि अलॉय व्हील है, और आपको भी लग रहा होगा अलॉय व्हील है, पर भाई अलॉय व्हील नहीं है। ये देखो ये चीज़ है, ये व्हील कवर है, व्हील कैप जिसको बोलते हैं, प्लास्टिक का जो होता है, पर इन्होंने आजकल जो स्टील रिम होता है वो इस शेप से बनाया हुआ है कि उसमें आप अगर ये वाला व्हील कैप लगाओगे तो बिल्कुल अलॉय वाली लुक देता है। साइड मिरर्स की बात करो, इसमें आपको टर्न सिग्नल्स मिलता है, अंदर से इसको आप फोल्ड और अनफोल्ड भी कर सकते हो, चाबी से नहीं होता पर अंदर से ज़रूर होता है। बाकी पीछे भी सेम टायर है, सेम प्रोफाइल है, रिक्वेस्ट सेंसर चारों में से किसी भी डोर में नहीं है। और भाई बैक की बात करूँ तो ये चीज़ अच्छी है कि बैक में इसमें आपको 2 सेंसर मिलते हैं, तो ये थोड़ा अच्छा लगा। बाकी भाई बूट खोलने का मेरे को लगा चाबी से बूट खोलना पड़ता है इसका, यार इतना कुछ स्टोरेज है इसमें। अब स्टोरेज आप बोलोगे कम क्यों है, कि यहाँ से इतनी ही है, क्यों भाई? क्योंकि इसके नीचे की तरफ लगाओ सीएनजी, जो ये स्पेस मैनेज करा टाटा ने, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि नीचे की तरफ सीएनजी है, फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक सा आपको इसमें स्पेस मिल जाता है। बाकी भाई पीछे में बैक की बात करूँ तो इसमें आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलता है, डीफॉगर रियर वाइपर वगैरह इसमें नहीं है, टाटा का लोगो है, बाकी हैलोजन वाली टेल लैंप भी है इसकी। भाई इंटीरियर पे जाने से पहले एक बार इसको आपको इंजन भी दिखा देता हूँ। तो भाई ये है इसका 3 सिलेंडर इंजन, 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन ये आपको मिलता है टाटा की तरफ से, और इसमें आपको 72 BHP की पावर मिलती है। आई नो भाई पावर अगर बहुत है, पर गाड़ी भी इतनी छोटी है तो डेली यूजेज के लिए तो ठीक है, अगर आपको लोकल कहीं पे जाना है तो उसके लिए तो बहुत अच्छी गाड़ी है। बाकी अंदर चलते हैं, अंदर दिखा दो इंटीरियर में इसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो भाई अंदर चलते हैं, उससे पहले भाई डोर की बात करूं तो थोड़ा भारी भरकम से इसमें आपको ठाटा का भाई ये डोर मिलता है। बाकी सॉफ्टवेयर वगैरह कहीं पर भी नहीं है, पूरा इसमें हार्ड प्लास्टिक मिलता है। यहाँ पे ड्राइवर साइड वाला जो मिरर है, जो विंडो है आपकी, वही 1 टच अप एंड डाउन है। बाकी स्टोरेज की बात करूँ, यहाँ पे एक आपकी आधा लीटर की बोलूँगा भाई बॉटल इजीली आएगी। बाकी स्टोरेज थोड़ी कम है क्योंकि गाड़ी बहुत छोटी है वाली। बाकी अंदर चलते हैं, ड्राइवर सीट जो है इसमें आप हाइट एडजस्ट जरूर कर सकते हो अपनी। बाकी अंदर चलते हैं, फिर अंदर से जाता हूँ क्या क्या मिलता है आपको। तो भाई गाड़ी में आ चुके हैं अंदर की तरफ, और भाई वैसे बोलूँ तो जैसे मेरी पोलो है मेरे पास, वो भी एक हैचबैक है, ये भी है, पर थोड़ी सी अंदर से पता नहीं क्यों थोड़ा सा बड़ी सी लग रही है मेरे को, मतलब थोड़ी भारी भरकम सी गाड़ी लग रही है, कि दम लग रहा है कि टाटा की गाड़ी है। बाकी भाई फीचर्स की बात करूँ तो इस गाड़ी में आपको, स्टेयरिंग की बात करूँ तो इसमें आपको टिल्ट वाला ऑप्शन ज़रूर मिलता है, टेलीस्कोपिक इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता। बीच में टाटा का लोगो है, राइट लेफ्ट यहाँ पे आप हॉर्न है, ये वैसे ब्लैंक रखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पे कोई फीचर नहीं मिलता जैसे क्रूज कंट्रोल वगैरह, ये वाले सारे फीचर्स इस गाड़ी में नहीं आते। लेफ्ट में यहाँ पे आपको सारा वॉल्यूम के कंट्रोल, कॉल आंसर करना, डिस्कनेक्ट करना, ये वाले सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं लेफ्ट की तरफ। यहाँ पे इसमें आपको वाइपर कंट्रोल मिलते हैं, और राइट में भाई इसमें आपको हेडलाइट के और जो टर्न सिग्नल्स होते हैं लेफ्ट राइट वाले, वो वाले कंट्रोल इसमें आपको राइट की तरफ देखने को मिलते हैं। बाकी भाई डैशबोर्ड की बात करूँ तो पूरा हार्ड प्लास्टिक है, तो भाई 2 कलर कॉम्बिनेशन है इसमें। बाकी ग्लोवबॉक्स की बात करूँ तो स्टोरेज इतनी कुछ इसमें आपको मिलती है। तो बाकी यहाँ की बात करूँ तो इसमें आपको हरमन वाली स्क्रीन दिखती है पूरा, इसमें ऐसा कुछ आपको एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड डेटा वगैरह वो नहीं मिलेगा, पर बेसिक इसमें आपको ब्लूटूथ वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हो, FM वगैरह इसमें आपको मिलता है। बाकी भाई CNG गाड़ी है तो यहाँ पे इसमें आप स्विच कर सकते हो, ये इसमें CNG आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप इसमें पेट्रोल से CNG मिला सकते हो। नीचे की तरफ बात करूँ तो यहाँ पे इसमें आपको बेसिक बिल्कुल AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज है, यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं, पीछे भी यहाँ की तरफ आपको थोड़ी सी स्टोरेज मिलती है। बाकी भाई ये है इसका गेयरबॉक्स, इसमें आपको AMT मिलता है, 5-speed गेयरबॉक्स है, बीच में न्यूट्रल होगा आपका, आगे की तरफ रिवर्स, आगे के यहाँ पीछे की तरफ ड्राइव का मोड मिलता है आपको, और मैनुअल चलाने के तो इधर की तरफ करोगे तो आपको इसको मैनुअल भी चला सकते हो, मतलब मैनुअली भी इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो।
तो यार इतना था। बाकी एसी कूलिंग वगैरह अच्छी है जो आपको यहाँ पे, इसमें आईआरवीएम की बात करूँ तो ये आपको इसमें मैनुअल मिलता है। ये बात करूँ ऊपर, इसमें आपको सिर्फ एक टिकट होल्डर मिलते हैं, लेफ्ट में आपको मिरर भी मिलता है। बाकी भाई जो साइड मिरर्स है, मैं आपको बोल रहा था कि आप अंदर से बैठ के कंट्रोल कर सकते हो, तो ये रहा, यहाँ से आप इसमें जो साइड मिरर्स होते हैं उसको फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हो और थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हो। और इसके अलावा ड्राइवर सीट जो आप उसको हाइट एडजस्ट कर सकते हो, इस वाले सीट में आपको वो वाला ऑप्शन नहीं मिलता। इतना था भाई फ्रंट, अब चलते हैं बैक, उसके बाद गाड़ी आपको चला के भी दिखाएंगे। तो भाई बैक की बात कर रहा हूँ तो आपको बैठ के दिखाता हूँ सीटा। भाई ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, मेरे को सच्चे में लगा था कि छोटी गाड़ी है तो पीछे बहुत ही अनकंफर्टेबल होगी, पर मेरे को ऐसे लग रहा है कि आगे से भी ज्यादा थोड़ा कंफर्ट पीछे की तरफ इसमें है। और भाई मजाक से हटके है, सीरियसली कंफर्ट काफ़ी है। थाई सपोर्ट भी इसमें थोड़ा अच्छा है और स्पेस ठीक है, चार बंदे बैठ सकते हैं इजीली, पांच बंदे के लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। हेडरेस्ट जो है इसमें एडजस्ट नहीं कर सकते पीछे वाले, आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है। और पीछे भाई फिलहाल इतना ही था, अब चलते हैं गाड़ी चला के दिखाते हैं और फिर बताता हूँ भाई इतना पैसा इस गाड़ी में लगाना वर्थ है कि नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है इस गाड़ी के लिए, आप मेरे को ज़रूर से कॉमेंट बॉक्स में बताना। चलते सीधा ड्राइविंग सीट पर आपसे मिलते हैं। तो भाई बातें तो हो चुकी है बहुत ज़्यादा, अब देखते हैं भाई इतना पैसा लगाना, मतलब 7.80 लाख एक शोरूम ऑन रोड पड़ेगी कहीं भाई 9 लाख रुपए की जाके, देखते हैं भाई इतना पैसा इस लगाने में वर्थ है कि नहीं है। और भाई सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए भाई ये बता दूं, जो गाड़ी जिन्होंने ली है मेन पर्पज़ था भाई सेफ्टी, जिसमें भाई टाटा का मेरे को लगता है भाई बहुत ऊपर तक जाती है। दूसरा, ये गाड़ी थोड़ी सी महंगी इसलिए भी है भाई क्योंकि इसमें लगी हुई CNG। अब CNG के आपको पता है भाई कितने फ़ायदे होते हैं, अगर लोकल आप गाड़ी चला रहे हो तो भाई कुछ भी आपकी पॉकेट पे फ़र्क नहीं पड़ता, इतना बहुत सस्ती पड़ती है। तो ये एक और रीज़न था ये गाड़ी को लेने का। बाकी भाई चला के देखते हैं, तो फिलहाल है न्यूट्रल पे, अब इसको चल करते हैं ए पे और भाई चलाते हैं, और फिलहाल ये CNG में ही चला रहे हैं इसको। तो अब इसमें ना अब मेरे को दो चीज़ दें जो मेरे को अच्छी नहीं लगी, तो पहले नेगेटिव से स्टार्ट करता हूँ फिर आएंगे पॉजिटिव चीज़ों पे। नेगेटिव की सबसे पहले तो भाई वही 3 सिलेंडर वाला जो सीन है, 1.2 लीटर का इसमें इंजन है, इंजन कोई छोटा मोटा इंजन नहीं है भाई, 1.2 लीटर काफ़ी होता है, मेरी पोलो GT में 1.2 है, पर इसमें उसमें 4 सिलेंडर है 3 सिलेंडर है, तो उसकी वजह से शोर काफ़ी मचता है इसमें, मतलब शोर काफ़ी ज़्यादा आता है। दूसरा कि इसमें जब गियर चेंज होता है, अगर आप बिल्कुल ही आराम से चला रहे हो 30-40 तो कुछ फ़र्क इसमें आपको नहीं पता चलेगा। बाकी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अब देखो जैसे फिलहाल ये आ गई है, अभी दूसरे गियर पे है, यहाँ पे 2A आपको दिख रहा होगा, है ना। अब देखो मैं जैसे इसको हल्का तेज चलाऊंगा, ये स्पीड ब्रेकर के बाद आपको एक चीज़ दिखाऊंगा इसमें, अब चलो रोक के दिखाता हूँ आपको। अभी पहले गियर पे आ गई, अब देखना इसको जैसे चलाऊंगा, अब थोड़ा सा तेज चलाई मैंने, अब ये देखो ये मतलब ऐसा पूरा प्रॉपर पता चलता है गाड़ी ने हल्की स्लो हुई है, फिर उसने गियर चेंज करा है और फिर वो आगे गई है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। पर इसमें गाड़ी कोई गलती नहीं भाई, जो AMT गियर बॉक्स होता है ये होता ही ऐसे, मतलब इसमें आप टाटा की टियागो ले लो या फिर ऑल्ट्रोस वगैरह ले लो, कोई भी गाड़ी ले लो उसमें यही होता है। अब जब भी जितनी बार भी अगर आप नॉर्मल चल रहे हो 30-40-50 तो उसमें आपको इतना पता नहीं चलता, पर जहां आप इस गाड़ी को भगाने की कोशिश करोगे, अब जैसे अभी फिलहाल फोर्स में मैं जैसे इसको भगाऊंगा, अभी देखो एक तो शोर इतना करती है, और देखो दूसरे से तीसरे में जब जाएगी ये देखो ये रुक के थोड़ा थम के और फिर तीसरा चेंज करती है गाड़ी। तो ये है इस गाड़ी का। बाकी यार देखो लोकल में अगर आपको चलनी है, ऑब्वियसली अगर आप ऐसे बंदे हो कि जब हर आपको हफ्ते दो हफ्ते तीन हफ्ते में या महीने में एक बार अगर आप कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो उसके लिए तो मे बी सही ना हो ये गाड़ी। बट हाँ अगर आपका लोकल में, जैसे फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली गुड़गांव आपको डेली जाना है जॉब के लिए है किसी भी चीज़ के लिए, दिल्ली में आपको लोकल घूमना है, तो भाई इन गाड़ियों से अच्छी कोई गाड़ियाँ ही नहीं होती भाई। मतलब ट्रैफिक में चलाओ, पहली बात ऑटोमेटिक और ट्रैफिक में चलाने का भाई बहुत सुकून है इसमें। दूसरा, पार्किंग कोई इशू नहीं होता, छोटी गाड़ी कहीं पे भी पार्किंग लगा दो। तीसरा, माइलेज की कोई टेंशन है नहीं, CNG डलवा और भाई पूरी घुमाओ इस गाड़ी को। सेफ्टी का कोई आपको सोचने की ज़रूरत है नहीं, 4 स्टार इस गाड़ी में आपको रेटिंग मिलती है ग्लोबल NCAP से, तो भाई बहुत ही सेफ है गाड़ी, सेफ है, टाटा पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। बाकी माइलेज अच्छी है, पार्किंग की कोई दिक्कत होगी नहीं, छोटी गाड़ी है। बाकी ट्रैफिक के लिए इसमें भाई ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इसमें आपको मिलते हैं। तो वैसे अगर मैं बोलूं नॉर्मल, अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है उस चीज़ के लिए गाड़ी आपको रखनी है तो भाई बहुत अच्छी गाड़ी है। अगर हाँ आप बिल्कुल ही कार एंथुसियास्ट हो, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए वैसे वाली जो आपको पोलो i20 वगैरह में इनमें मिलती है, तो वो इसमें आपको थोड़ा सा मिसिंग लगेगी। बाकी भाई मेरी तरफ से अगर परफॉर्मेंस में बोलूं तो भाई मैं ऑनेस्टली बोलूंगा बिल्कुल 5 या फिर 6 out of 10। बट हाँ बाकी चीज़ों को लेके बोलूँ, अगर आपको जैसे मैंने बताया कि लोकल आपको घूमना है माइलेज वाइलेज की, उसमें मैं आपको भाई 10 out of 10 बोलूँगा इस गाड़ी के लिए। तो मेरे को उस पर्पज से काफ़ी अच्छी लगी,
और आप बताना आपकी क्या राय है, अगर आपके पास एक ही गाड़ी लेने का ऑप्शन होता कि आपके घर में एक ही गाड़ी है और छोटी गाड़ी, तो आप यही गाड़ी लेते हैं कोई और गाड़ी लेना प्रेफर करते? आपकी क्या राय है भाई, ज़रूर बताना। आगे भी चैनल में ऐसी ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी इस गाड़ी से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर वेरिएंट से रिलेटेड, सीएनजी के कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, ज़रूर आंसर करेंगे हर एक क्वेरी का। तो भाई गाड़ी का रिव्यू हो चुका, गाड़ी चला के भी दिखा दी, प्राइस बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब आप में से काफ़ी बंदों को लग रहा होगा कि भाई इतनी महंगी गाड़ी क्यों ही ली है ना। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक मैंने आपको बताया बहुत ही वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, क्योंकि इसमें सीएनजी भी है, बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि कहीं जाते हो लोकल लोकल में तो क्या क्या बेनिफिट्स है। सेकंडली, जिन्होंने गाड़ी ली है भाई, ऑटोमेटिक आपने देखोगे गाड़ी है, उनको हैंडीकैप कोटे में इस गाड़ी पे 1.5 लाख का डिस्काउंट भी मिला है। तो उस पर्पज से देखो तो भाई बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है ये। इतना ही था यार, आप बताना आपको गाड़ी कैसी लगी, और आज के लिए था इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी इस गाड़ी से रिलेटेड, उस डिस्काउंट से रिलेटेड, सीएनजी से रिलेटेड, जरूर से कमेंट बॉक्स में पूछना। तो फिलहाल के लिए था इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।